तुझे फाड़ अरे मेरे भाई दूंगा भाई, टचकरेज मारूंगा तुझे मैं। अरे मेरे दादा मेरी बात तो सुन लो यार। तेरे को वीडियो भारी पड़ जाएगी, माकड़े जा भी नहीं पा रहा। अरे मेरे भाई यार, ये फोन पे घबरा जाएगा। अरे मेरी बात, हाँ यूं मत कर। मेरे भाई सुनो तो सही, कुछ नहीं बोला ना। हाँ बात यूं मत भाई, सुनो तो। अब तू जा भी नहीं पा रहा। अरे मेरे भाई सुन तो लो यार, मेरी मेरी बात तो सुनो। तो हेलो भाई लोग, विश यू वेरी हैप्पी गुड आफ्टरनून। भाई आज का जो ये वीडियो है, ये स्पेशली मैं रिवोल्ट के ऊपर लेके आया हूँ। आरवी रिवोल्ट 400 जो गाड़ी आती है उसके ऊपर आज ये वीडियो होने वाला है। तो वैसे तो आप लोग इसका रिव्यू देख चुके होंगे, लेकिन मैंने सोचा क्यों ना एक नया वीडियो लेके आया जाए आप लोगों के लिए। थोड़ा सा डिटेल बताई जाए उसके बारे में कि इसमें क्या क्या है, क्या क्या फ़ीचर्स दिए हुए हैं इस बाइक में, किस लिए आपको ये बाइक ख़रीदनी चाहिए, वो सारी चीज़ें मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो भाई सबसे पहली चीज़ कि देखिए, ये इसकी बाइक की है भाई, बड़ी बेहतरीन की है यार, बड़ी प्यारी सी की है ना। और इसके साथ ही इसका एक ये रिमोट कंट्रोल दिया हुआ है, आप लोगों को दिख रहा होगा। ये इसमें दो चार बटन दिए हुए हैं भाई, पहला बटन अनलॉक करने के लिए, दूसरा बटन लॉक करने के लिए, तीसरा पावर ऑन का बटन है, और चौथा लोकेशन ट्रेस करने के लिए बटन दिया हुआ है भाई, है ना। और बाकी अभी बाइक अपनी चालू है, देखो यहाँ पर स्पीड दिखाता है आपकी, यहाँ पर किलोमीटर्स दिखाता है, यहाँ पर बैटरी परसेंटेज दिखाता है, यहाँ पर आपका, यहाँ से आप ना शिफ्ट कर सकते हो कि भाई किस मोड पर आपको बाइक चलाना है। बाकी ये आपका हॉर्न है, वैसे असल में ये हॉर्न नहीं है, ये साउंड के लिए ये बटन दिया हुआ है इस बाइक में। और ये किल का बटन है ना। बाकी ये तो पासिंग बटन वगैरह तो आप लोगों को पता ही है सारी चीज़ें, इंडिकेटर वाले बटन और ये हॉर्न के बटन। हॉर्न है, काफ़ी मद्दा सा है, कोई दिक्कत नहीं है उसकी, है ना। और बाकी अगर आप लोग चालू करना चाहते हो इसको, तो भाई इससे अपन पावर ऑन करेंगे, लॉक करेंगे पहले इसको, उसके बाद या तो अपन इस बटन से भी पावर ऑन कर सकते हैं बाइक का, या फिर यहाँ पर ये पावर का बटन दिया हुआ है, इससे भी बाइक को चालू कर सकते हैं अपन लोग ईजिली, है ना। बाकी भाई यहाँ पर आपको बैटरी का स्विच मिल जाता है, और इसके साथ ही अपन को USD फोक्स मिल जाता है। नॉर्मल जो अपनी बाइकें आती हैं यहाँ पे इंडिया में भाई, ज़्यादातर तो USD नहीं दिया जाता है, टेलीस्कोपिक सस्पेंशन आपको मिलते हैं, लेकिन यहाँ पे आपको USD दिया जा रहा है एक बैटरी वाली बाइक में। ये बहुत ही अच्छी चीज़ है इंडिया में, जिसकी वजह से आपकी राइडिंग क्वालिटी भाई बहुत ही ज़्यादा बेटर होने वाली है ना। और बाकी यहाँ पर 240mm का एक डिस्क दिया हुआ है, और MRF के टायर्स दिए हुए हैं दोनों तरफ, आगे भी पीछे भी, और काफ़ी ब्रॉड टायर है भाई पीछे का तो। और डिस्क जो है ना भाई, दोनों में सेम लगी हुई है, 240 mm की डिस्क लगी हुई है, दोनों तरफ कैलिपर लगा हुआ है ना। और दोनों कैलिपर यहाँ पे ऊपर भी दिए हुए हैं, देखिए भाई ये लगे हुए हैं, है ना। और बाकी सीट है, छोटी सी सीट है, कंफर्टेबल है। और इसके अलावा भाई इस पर 150 kg का वेट आप रख सकते हो, इजीली बाइक चलेगी, कोई प्रेशर नहीं पड़ने वाला है बाइक के ऊपर। और एक चीज़ और है, सबसे अच्छी चीज़ भाई, कि यहाँ पे चेन सिस्टम नहीं दिया हुआ है, क्योंकि चेन सिस्टम जहाँ भी होता है वहाँ पे बार बार सर्विस मांगती है बाइक, और चेन की क्लीनिंग करनी पड़ती है ना। तो इसमें वो वाला सिस्टम ही नहीं है भाई, बेल्ट वाला सिस्टम दिया हुआ है, बिल्कुल ईजी है ना। और इसके अलावा भाई यहाँ पर आप देख सकते हो RBS लिखा हुआ है, रीजनरेटिव ब्रेकिंग सिस्टम। इसका मतलब होता है भाई कि जैसे ही आपकी बाइक, आप जो चला रहे हो ना भाई, जहाँ जहाँ आप ब्रेक लगाओगे वहाँ से पावर जनरेट होगी, और वो बैटरी को चार्ज करेगी भाई। तो बैटरी आपकी ऑटोमेटिक चार्ज होने वाली, जहाँ जहाँ आप ब्रेक का यूज़ करने वाले हो वहाँ वहाँ पे आपकी बाइक ऑटोमेटिक चार्ज होने लगेगी, थोड़ा थोड़ा ही सही लेकिन होगी, है ना। और एक चीज़ मैं बताना भूल गया था भाई, पीछे मोनोशॉक सस्पेंशन दिया हुआ है, तो काफ़ी सही रहता है ये, कंफर्टेबल होता है दूसरी बाइकों के मुकाबले। आजकल आप लोग देख रहे हो जो भी बाइकें आ रही हैं उसमें मोनोशॉक ही आ रहा है भाई, सिंगल सस्पेंशन होता है बीच में, तो काफ़ी बेटर राइड फील होता है उससे, है ना। और बाकी इसके अलावा मैं आपको चालू करके दिखाता हूँ, चालू तो बाइक पहले से ही है। और इसका साउंड सुनोगे, देखो भाई एक सुपर बाइक जैसा साउंड देती है, थोड़ा सा ज़्यादा लंबा खींचोगे ना तो भाई साउंड चेंज हो जाती है बिल्कुल ही, लेकिन अगर आप 1 सेकंड के लिए 2 सेकंड के लिए खींचते हो ना भाई इसको, तो ऐसा लगेगा आपको जैसे कि एक सुपर बाइक का ही साउंड आ रहा है बिल्कुल। और बाकी एक चीज़ और इसमें डिफरेंट दी हुई है कि भाई बाइक आपकी चालू कहीं से भी हो जाए, बाइक आप चालू तो चाहे तो यहाँ से कर सकते हो, चाहे की से आप बाइक को चालू कर सकते हो, लेकिन जो लॉकिंग का सिस्टम है वो यहाँ पे दिया हुआ है भाई, ये देखो यहाँ से आप बाइक को लॉक कर सकते हो, समझ रहे हो। तो ये भी काफ़ी अच्छी चीज़ है, चोरों को पता नहीं चलेगा भाई नीचे लॉक दिया हुआ है ना, ऊपर ही ढूंढ रहे होते हैं, पावर बटन के पास ढूंढेंगे या फिर कंसोल के पास ढूंढेंगे, पूरा LED कंसोल दिया हुआ है। और इसके साथ ही भाई LED की बात अगर करें भाई, तो इसमें सब कुछ LED है भाई, यहाँ तक कि फ्रंट की जो हेडलाइट है वो भी LED, इंडिकेटर्स भी LED हैं, जो अपना मीटर है, कंसोल है, वो भी LED है, मतलब फुल्ली LED है भाई, आगे भी पीछे भी, है ना। तो काफ़ी बढ़िया चीज़ बनाई है रिवोल्ट ने भाई। और आप लोग एक चीज़ तो अच्छे से जानते ही होंगे, इंडिया में रिवोल्ट से बेटर जहाँ तक मुझे पता है कुछ भी नहीं है, बहुत ही अच्छी कंपनी है रिवोल्ट, बहुत ही जेन्युइन कंपनी है ना। और बाकी अब बात कर लेते हैं इसकी बैटरी की, तो भाई 4.5 घंटे में ये बाइक चार्ज होती है, फुल्ली चार्ज हो जाती है 4.5 घंटे में, 3 घंटे में 70% चार्ज हो जाती है, तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ है। एक चार्जिंग पे आप इसको
नॉर्मल मोड पे अगर चला रहे हो तो 150 किलोमीटर आप चला सकते हो। 145 का जो है आपको एवरेज दे देगी ये बाइक आसानी से। 145 आप किलोमीटर चला सकते हो इसको। बाकी इसकी जो टॉप स्पीड है भाई, अगर आप इसको फर्स्ट मोड पे चलाते हो ना तो ये गाड़ी 45 की टॉप स्पीड पे चलेगी, और सेकंड मोड पे अगर आप इसको चलाते हो तो ये सेकंड मोड पे भाई 65 की स्पीड अचीव करती है, एंड थर्ड एंड लास्ट मोड है इसका तो उस पर 85 की स्पीड अचीव करती है भाई, इससे ज़्यादा इसकी स्पीड नहीं है, है ना। तो बाकी एक बैटरी वाली बाइक के लिए बहुत ही बढ़िया चीज़ें हैं भाई, काफ़ी बेटर बाइक लगी मुझे तो। बाकी आपको इसकी राइड करके बताते हैं थोड़ी सी, तो चलिए देखते हैं, चला के देखते हैं भाई इसको। भाई देखिए कुछ ऐसा इसका कंसोल दिखता है, साउंड थोड़ा सा कम है भाई, क्या लाइट वेट है भाई, क्या लाइट वेट बाइक है भाई, और पिकअप देख रहे हो भाई। अभी अपन थर्ड मोड पे आ चुके हैं सीधा, तो भाई थर्ड मोड पे काफ़ी बढ़िया चल रही भाई, इतनी लाइट वेट बाइक है भाई, मैं क्या बताऊं भाई, सच में भाई देख रहा भाई। यहाँ से अपन लेंगे यू टर्न, और भाई हम एक बात बताएं आपको, मैं ना भाई इसमें नीचे पैर से ब्रेक लगा रहा था भाई, भूल गया था, और यहाँ तक कि ब्रेक की जगह क्लिच दबाने लगा था बाइक को मदद करने के लिए भाई, तो ऐसी गलतियाँ हो जाती हैं, ठीक है आप लोग ऐसी गलतियाँ मत करना। बाकी भाई चलाने में काफ़ी कंफर्टेबल है, वो ब्रेक भाई क्या ब्रेक्स हैं भाई, ये देखो भाई आगे पीछे दोनों तरफ डिस्क दिया हुआ है, काफ़ी शानदार है भाई, ये देखो भाई काफ़ी बढ़िया चल रही है भाई बाइक, है ना, और काफ़ी लाइट वेट है भाई। तो भाई चलाने में भी काफ़ी बेटर है, और मेरे को गर्मी लग गई थी, हाँ ब्रेकिंग काफ़ी स्मूथ है भाई, एक नंबर है, क्योंकि अच्छी खासी आपको ब्रेकिंग मिलती है यहाँ पे, थोड़ा साइड में लगानी पड़ेगी यार, आप लोग बोलोगे तो नहीं भाई कुछ, हाँ बेचना नहीं है, बताना है उसके बारे में, हाँ कंपनी से नहीं हूँ मैं, हैं हाँ, अरे रेस का बताओ, रेस का क्या, वो तो मैंने बता दिया भाई, आप थोड़ा दो मिनट रुक जाओ भाई, क्योंकि मेरा वीडियो चल रहा कंटिन्यू अभी, मैंने जितना सोचा था इसको चलाने के हिसाब से उससे काफ़ी ज़्यादा बेटर मेरे को इसकी ग्रिप मिली है, टायरों की ग्रिप भी एक नंबर है, क्योंकि आगे भले पतला टायर है लेकिन पीछे अच्छा खासा ब्रॉड टायर दिया हुआ है भाई, जो मिरर्स हैं इसका भी काफ़ी अच्छा व्यू है, कई बार ऐसा होता है भाई कि बाइक तो अच्छी होती है लेकिन व्यू काफ़ी ख़राब सा होता है ना, तो वो चीज़ में नहीं है, मैंने चेक कर लिया, आपको भी बता दिया मैंने, और इसके अलावा इसका जो बैटरी का सिस्टम है ना भाई, वो यहाँ पे भाई, यहाँ पे बैटरी का स्विच ये दिया हुआ है भाई, है ना, तो अपन को क्या करना है, सबसे पहले इसमें चाबी लगाना है, इसको जैसे ही अनलॉक करते हो आप, ये वाला जो डब्बा है आगे का, ये सिस्टम ये खोल के ऊपर आ जाएगा, बैटरी आपकी यहाँ से निकल जाएगी, है ना, जब भी आपको चार्ज करना हो तो आप यहाँ से चार्ज कर सकते हो इस साइड से, वो मैंने आपको पहले ही बता दिया है, और इसके अलावा आप बैटरी को निकाल भी सकते हो, उसके बाद आप इसको आसानी से चार्ज कर सकते हो, 3 से 4 घंटे के अंदर बैटरी चार्ज हो जाती है, फुल चार्ज करने के लिए इसको भाई 4.5 घंटा लगता है। अरे मैं कोई उससे लगा ही नहीं रही भैया मैं सर, वो बैटरी है, वो रेस वाली नहीं है, वो बैटरी है, जो बैटरी है भाई, मैं रेस की वीडियो नहीं डालता, मैं नॉर्मल ब्लॉग डालता हूँ, नहीं रेस वाली पे नहीं है यार अपन, भागती होएगी, भागती होएगी, अरे रुको रुको थोड़ा सा आगे तो करो, वीडियो तो बनाया दो, अरे यार अरे तुम तो 200 भगा लो, अरे 80 तक ही जाती है दादा हमारी, की बात चल रही है 80 तक ही जाती है हमारी, क्या कर रही है, अरे ये बोल रहा हूँ तक ये मत करिए, अरे मेरे भाई सुनो तो, हाँ यूं मत कर, मेरे भाई सुनो तो सही, कुछ नहीं बोला ना, हाँ बात यूं मत भाई सुनो, अरे मेरी बात तो सुनो, तू रुक जा तू रुक जा तू रुक जा तू रुक जा, मेरे भाई सुनो तो सही, मेरी बात सुनो, आप मेरी बात सुनो, अपना कोई झगड़ा नहीं है, कोई बात नहीं है, अपनी अपनी गाड़ी का वीडियो अपन बना रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है,
बाकी कोई गलती हुई हो, कोई बात, कोई बात, कोई बात आपको, कोई बात आपको बुरी लगी हो तो उसकी तरफ से सॉरी है ना, सॉरी भाई। कितने की पड़ेगी भाई केस में? एक मिनट भाई चला तो उसको है, आप एक बार चला भाई। मैं उसको अभी चला नहीं सकता, मुझे वीडियो बनाना, मेमोरी पूरी फुल हो जाएगी, इसलिए मैं आपसे बोल रहा हूँ आप बस दो मिनट के लिए मेरे को वीडियो बना लेने दो। उसकी चाबी उसमें नहीं है, चाबी मेरे पास रहती है, पावर लॉक रहता है। हाँ सुनो तो भाई, समझा करो यार, रुक जा यार भाई, यार एक मिनट रुक जा यार। अबे तू जा भी नहीं पाएगा। अरे मेरे भाई सुन तो लो यार, मेरी मेरी बात तो सुनो। अरे मेरे भाई भाई अरे मेरे दादा मेरी बात तो सुन लो यार, तेरे को वीडियो भारी पड़ जाएगी। अरे मेरे दादा मेरी बात तो सुन लो, वीडियो मैं बना रही हूँ, समझा करो, सुनो क्या, वीडियो बना लेने दो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई बुराई नहीं है, ठीक है। नहीं आपको कोई दिक्कत हो ना मैं चला जाऊं भाई, मैं चला जाऊं भाई, नहीं तो आपको रेस की बात कर लिया, रेस में नहीं लगा सकता भाई, है ना, ठीक है। तुम गाड़ी पे बैठो, वीडियो अपन बना लेंगे कहीं भी, बना भाई, यहीं बना लो भाई, कुछ नहीं। देखो यार बात बड़े इससे अच्छा, की कसम कुछ भी नहीं, बात बड़े इससे अच्छा है कि कोई मतलब नहीं है, है ना, समझा करो, है ना। नहीं भाई रेस की बात चल रही थी ना अपने पास, रेस तो देखो मैं लगाता नहीं हूँ, तुम्हें पहले ही बता दिया, चलो। अरे मेरे भाई यार क्यों भड़क, क्यों भड़क रहे हो यार, मेरे भाई क्यों भड़क रहे हो यार, 50 लड़कों को नहीं निकलनी। अरे मेरे भाई मेरी तो सुन लो, मेरी तो सुन लो, एक फोन पे घबरा जाएगा। अरे मेरी बात, अरे मेरी जान मेरी तो सुन लो यार, मेरी सुन लो, क्यों भड़क रहे हो यार। अरे तू जा, तू जे गाड़ी उठा यार, तू जा, तू ले गाड़ी ले, तू गाड़ी ले, गाड़ी ले, गाड़ी ले, नहीं दो सेकंड नहीं, तू गाड़ी ले, गाड़ी ले, बैठ बैठ चुपचाप, वीडियो बना लो तुम, बैठ चुपचाप जी, गाड़ी पकड़, गाड़ी पकड़, जा जा, इधर चलते हैं जा। मेरी चाबी किसके पास है? तेरे पास है, बिल्कुल भी उसमें वो नहीं है स्पेस। मेरी तरफ से कोई गलती हुई है भाई तो मुझे माफ़ कर देना, है ना, है ना। अरे समझा करो, मैं क्या है, मेरे पास उतना टाइम नहीं है बिल्कुल भी, है ना। मुझे नहीं पता कि कौन था भाई, गुस्सा था मेरे को भी, बोलते जा रहा था, लेकिन मैं हमेशा कोशिश करता हूँ कि भाई पहले प्यार से बात हो, जितना हो सके प्यार से समझाने की कोशिश करवा रहे इंसान को, है ना। तो बाकी मैं तो यही बोलूँगा भाई, लड़ाई झगड़े से दूर रहो, इन फालतू की चीज़ों में कुछ नहीं रखा है, जैसे मैंने हैंडल किया वैसे आप हैंडल कर लो। और सच बताऊँ ना भाई, तो ये कोई मेरी प्लानिंग नहीं थी, तो भाई अगर कोई बंदा मेरे को बोलता है कि ये सब कुछ प्री प्लान था, पहले से मैंने प्लान किया हुआ था, तो ऐसा कुछ भी नहीं है भाई, मैंने कुछ भी प्लान नहीं किया था, सब कुछ असली था। मैं वहाँ से इसलिए आया क्योंकि भाई 100% लड़ाई हो जाती, एक दो मिनट अगर मैं नहीं निकलता तो लड़ाई होती होती भाई, इसलिए मैं वहाँ से निकल आया। मैंने बहस करना ज़्यादा सही नहीं समझा भाई, तो उस बात को छोड़ते हैं। और बाकी आज का वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लगा हो तो कमेंट सेक्शन में हम लोगों को ज़रूर बता देना भाई, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं कराया चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बाकी मिलेंगे आपसे फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए चैनल पर बने रहना, है ना। तो लव यू भाई लोग।